हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एंड इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को समझना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन करेंगे कर्व का, पॉलीगॉन्स, एक्सटीरियर एंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो सबसे पहले कर्व को समझ लेते हैं। सो कर्व को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये समझते हैं। व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। मतलब कहा जा रहा है कि कर्व बनाने में हमें विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, जैसे एक कर्व बना लिया यहाँ हमने, अब देखिए पेंसिल को हमने हटाया नहीं है, पेपर से पेंसिल को हटाया नहीं, बस ऐसे कर्व बनाते जा रहे हैं, तो ये हमारा कर्व कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कर्व हो गया, पेंसिल हमने कहीं भी नहीं उठाया। लिफ्टिंग, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, दैट मीन्स कि पेंसिल को बिना हटाए, जैसे इस तरह से हमने कर्व बना दिया, ये कर्व कहलाएगा। ओके, तो ये सब कर्व है। अगर आप इस तरह से कर्व बनाते हो, मान लो कि एक तरह से ये कर्व, ये एक सर्क मैंने बना दिया, इसके बाद फिर से एक बना दिया, फिर एक से बना दिया, तो क्या ये कर्व है? तो ये हमारा कर्व नहीं है, बिकॉज यहाँ हमने पेंसिल को लिफ्ट किया, इसे बनाया, इसके बाद पेंसिल हटा करके दोबारा फिर बनाया। ठीक है, तो पेंसिल को लिफ्ट कर रहे हैं, तो जहाँ हम पेंसिल को लिफ्ट करेंगे वो कर्व नहीं बनता। कर्व क्या होगा? जब बिना लिफ्ट, विदाउट लिफ्टिंग हम पेंसिल से कर्व बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो कर्व कहलाता है। ओके, अब आगे आपने पढ़ रखा है क्लोज्ड कर्व के बारे में, सो एक ड्रॉ कर लेते हैं क्लोज्ड कर्व को। तो देखिए क्लोज्ड कर्व हमारा कुछ इस तरह से होता है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल हमें क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करना है। सो ये हमारा क्लोज्ड कर्व हुआ। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो होते हैं ना, सेम होते हैं। क्लोज्ड कर्व में जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसे ड्रॉ करना, इस तरह से हमने ड्रॉ किया, तो स्टार्ट यहीं से किया, एंड भी इसी पॉइंट पे किया। सो क्लोज्ड कर्व क्या होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होंगे। यहाँ हमने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, सो यहीं पे खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ये हुआ। सो ये हमारा क्लोज्ड कर्व होगा। क्लियर? नाउ ओपन कर्व के बारे में भी आपने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है। तो ओपन कर्व हमारा क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट करना शुरू किया, ऐसे ये हमने स्टार्ट किया और एंड यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा ओपन कर्व कहलाएंगे। ओके, यहाँ भी ये भी ओपन कर्व है, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, इस तरह से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया, तो ये हमारा ओपन कर्व कहलाता है। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो जो क्लोज्ड कर्व में आपने ये पिक्चर देखी, इसे ही यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ मैं। जैसे देखो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अगेन इसमें सेम होंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व है, दैट मीन्स स्टार्टिंग एंडिंग सेम होंगे। अब सिंपल क्यों लगा, तो सिंपल इसमें हम समझते हैं कि इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा फिगर, तो देखिए कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है, सो इसे हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इस तरह से हमने ड्रॉ किया, क्लियर? तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, बिकॉज ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। अब जैसे ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, ये क्रॉस कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे, जैसे ये एक फिगर, इसे सेम फिगर मैं यहाँ ले रही हूँ, जैसे ये फिगर क्लोज्ड तो है बट सिंपल नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल। ओके, तो ये कर्व के बारे में था, आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन्स को समझते हैं। तो पॉलीगॉन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन समझना जरूरी है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। यहाँ कहा जा रहा है कि पॉलीगॉन क्या होगा, वैसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉ करके देख लेते हैं, जैसे ये हमारा फिगर हो गया एक, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, एंड देखिए लाइन से बने, सिर्फ लाइन से ड्रॉ करके हमने बनाया है, तो इसीलिए इसे पॉलीगॉन बोलेंगे। यानी कि पॉलीगॉन जो होता है सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनेगा और सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। जैसे ये भी हमारा पॉलीगॉन कहलाएगा। क्यों पॉलीगॉन कहलाएगा, बिकॉज ये लाइन से बने हैं। ओके, एंड पॉलीगॉन का जो एग्जांपल होगा, जैसे ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये सब पॉलीगॉन्स है, बिकॉज ये सभी क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं और क्लोज्ड होते हैं। ओके, सो इट्स दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन को समझेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव एंड दूसरा होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, तो फर्स्ट कॉनकेव पॉलीगॉन को समझ रहे हैं। तो कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं, और पॉलीगॉन इन विच
एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, क्या हो, 180 से ज़्यादा हो, मोर देन 180 डिग्री, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फिगर है ए बी सी डी, ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन है बिकॉज यहाँ पे ये एंगल देखिए ये मोर देन 180 डिग्री है, सो इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन, क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अब उसे समझते हैं। अ पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जो एंगल होंगे हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा, क्यों, बिकॉज इसका ऑल एंगल ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ओके। तो हमने क्या समझा, कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होंगे, ईच एंगल एटलीस्ट वन एंगल है ना, कॉनकेव पॉलीगॉन में एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होते हैं एंड कॉन्वेक्स में ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं, ओके। अब पॉलीगॉन में एक पॉइंट आता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन, अक्सर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे बोलते हैं, तो देखिए अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, वैसा पॉलीगॉन जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे एंड ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं, इसी के साथ ये जो साइड्स हैं ये भी इक्वल होते हैं, सो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर में भी जो ऑल एंगल हैं ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं एंड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका इरेगुलर पॉलीगॉन, तो इरेगुलर पॉलीगॉन किसे बोलेंगे, तो जो पॉलीगॉन रेगुलर नहीं होगा उसे हम बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। मतलब इरेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, एंगल्स तो इसमें सारे इक्वल होंगे, ये सारे 90 डिग्री होते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं है, सो ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो ये इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझते हैं। तो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, तो देखिए किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो उसमें हो, चाहे तीन हो, चार हो, पाँच, दस, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, अगर हम उन सब एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो हमेशा 360 डिग्री होता है, ओके। एंड फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल यानी कि ये भीतर वाला पार्ट, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, क्लास सेवन तक आपने पढ़ा है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल को के बारे में समझना है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर का एंगल। सो अगर इस साइड को हम इस तरह से आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इसे ए मान लेते हैं। इसी तरह से इस साइड को हम ऐसे बढ़ा दें तो ये एंगल एक्सटीरियर कहलाएगा, इसे बी मान लेते हैं। सेम यहाँ पर इसे अगर आगे बढ़ाएं तो ये वाला पार्ट, ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इसे सी मान लेते हैं। दैट मीन्स इस एंगल को और एंड इस एंगल को, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 360 डिग्री के, क्लियर। तो यहाँ तो तीन साइड है, मान लो पेंटागन ले लेंगे तो भी उसके भी ऑल साइड्स को जब हम ऐड करेंगे तो 360 आएगा। अगर आप हेक्सागन ले लो जिसमें सिक्स साइड्स होते हैं, उसके अगर ऑल एक्सटीरियर को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट दो फार्मूला समझ लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स अगर गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए कहा जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल,
तो दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, साथ ही ये भी ध्यान में रखना है, और इंट्रोडक्शन में जितनी बातें हम पढ़ते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये जान जाते हैं। तो क्वाड्री का मतलब होता है फोर एंड लेटरल्स का मतलब होता है साइड्स, यानी कि जिस पॉलीगॉन के चार साइड होंगे उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसे समझ लेते हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया है पैरेललोग्राम को, तो यहाँ देखिए ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं। तो साइड क्या होता है, ये हमारा साइड हो गया, तो ये साइड इक्वल है, इसी तरीके से ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इक्वल है, सो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये एंगल है ना, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है डायगोनल्स बाईसेक्ट वन अनदर, अगर इसमें हम डायगोनल बना दें, ये आपको डायगोनल्स होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स को ऐसे क्रॉस कर टच करेगा, तो ये हमारा डायगोनल्स हो गया। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, बाईसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बाईसेक्ट किया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अगर इसे हम ओ मान लें, ओ से सी इसके जो लेंथ होगी सेम लेंथ ओ टू ए होगा, अगेन ओ से डी की जो लेंथ होगी वही लेंथ ओ से बी तक का होगा। क्लियर, तो पैरेललोग्राम समझ लिया हमने। नाउ स्क्वायर को समझते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाईसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स स्क्वायर में आप जानते हो कि जितने भी साइड है चारों साइड इक्वल होते हैं, इसी तरह से चारों एंगल भी इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, 90 90 90। क्लियर, तो स्क्वायर के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसी के साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ ये डायगोनल 4 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का ये डायगोनल भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड ये साइड अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये साइड एंड ये साइड, ये दोनों अपोजिट है और इक्वल होते हैं। ईच ऑफ दी एंगल इज राइट एंगल, यानी कि ईच एंगल इक्वल होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। सो ये चारों ही एंगल, जैसे स्क्वायर में इन चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, उसी तरह यहाँ भी 90 90 90 डिग्री के एंगल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, उसी तरीके से इसका भी जो डायगोनल्स होता है ये एक दूसरे के इक्वल होता है। ओके, नाउ फोर्थ फिगर देखते हैं, रोम्बस। ये रोम्बस का आपका फिगर हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल्स हमारा है ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो जहाँ पे एक दूसरे को बाईसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे बाईसेक्ट कर रहा है इधर से ये डायगोनल्स, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट एक काइट को समझ लेते हैं, ए बी सी डी एक काइट है, इसमें प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है, ये एक डायगोनल्स हो गया, दूसरा ये डायगोनल्स है, ये परपेंडिकुलर है टू वन अनदर, दैट मीन्स 90 डिग्री है ना, यहाँ भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद कह रहा है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये जो एंगल है इक्वल होगा इस एंगल के, बट एंगल ए और ये एंगल सी नॉट इक्वल टू, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। इसी के साथ ये जो स्मॉलर साइड आप देख रहे हो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, एंड लार्जर साइड में ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको याद रखना होगा कि ये जो बड़ा वाला डायगोनल्स है इस छोटे वाले डायगोनल्स को सेंटर में हाफ पे बाइसेक्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं वहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि किस कौन से डायगोनल हाफ में कट होगा। तो ये जो छोटा वाला डायगोनल्स है इसे ये सेंटर में देखिए हाफ हाफ पे कट करता है, ठीक है, बड़ा वाला तो हाफ में नहीं कट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड यही इसका इंट्रोडक्शन था इस एक चैप्टर का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।